नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जी की भाई बीएसके में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर महाविद्यालय स्तर पर राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षक भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और इसके फॉर्म भी यानी भरना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अजमेर के दो राजकीय कॉलेजों को विद्या संबल से 39 गेस्ट फैकल्टी टीचर की मिलेगी सौगात। यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, जो सम्राट प्रतिभराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, तो यहाँ पर इसकी यानी शॉर्टकट की फुल फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर 38 यानी इस कॉलेज में 38 और यानी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर फिजिक्स में यानी यहाँ पर एक गेस्ट फैकल्टी की होगी नियुक्ति। तो यहाँ पर साथियों 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए साथियों, आपको हर तरह से एक्टिव रहना पड़ेगा, चाहे स्कूल स्तर पर गेस्ट फैकल्टी हो या कॉलेज स्तर पर। देखिए यहाँ पर स्कूल वाइज और कॉलेज वाइज फॉर्म निकाले जा रहे हैं, तो आपको हर तरह से एक्टिव रहना पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों, आप एक्टिव रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि आपको पल पल की अपडेट आप पता चल सके। और यहाँ पर देखिए साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर यानी जो सब्जेक्ट वाइज यानी यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। अगर आपने बीएड और पीजी यानी इन सब्जेक्ट से कर रखा है तो यहाँ पर इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं और देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर राजस्थानी में 1 पद है, हिंदी साहित्य में 1, सिंधी में 3, ईएफएमएस में यानी 9 पद, इतिहास के 1, संगीत के 3 और भूगोल का 1। और इसी प्रकार यहाँ पर संस्कृत साहित्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र में यानी सभी प्रकार के यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। अगर आपने इन विषयों से पीजी कोर्स और बीएड कर रखा है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं साथियों। और इसके अलावा यहाँ पर साथियों देखिए, पुष्कर 2 गेस्ट फैकल्टी शिक्षक होंगे नियुक्त। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज पुष्कर में है, तो यहाँ पर 2 गेस्ट फैकल्टी शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। तो देख सकते हैं साथियों, विद्या संबल योजना के तहत और 2 विषयों में अध्यापन के लिए गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाएंगे। देखिए, और इसके आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 अगस्त तक कॉलेज में आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर पुष्कर कॉलेज के लिए यहाँ पर 15 अगस्त तक, और यहाँ पर जो अजमेर में जो प्रतिभा चौहान कॉलेज है उसके लिए यहाँ पर 5 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो प्रत्येक कॉलेज है उसके लिए अलग अलग विज्ञप्ति निकाली जा रही है, अर्थात आपको कॉलेज से यानी जो महाविद्यालय उससे संपर्क करना पड़ेगा फॉर्म को लेकर। और इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें इसी प्रकार की विज्ञप्ति निकाली जाएगी और आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको पल पल की अपडेट पता चल सके। और इसके अलावा आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी फुल जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा साथियों, यहाँ पर देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। देखिए साथियों, आपको बताते हैं कि जो महाविद्यालय स्तर पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आपने स्नातक ग्रेजुएशन कर रखा है, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% अंक हैं या उससे अधिक हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। और इसी प्रकार 60 वालों को यहाँ पर 19 नंबर। और इसके अलावा यहाँ पर जो पीजी कोर्स कर रखा है, तो अगर पीजी कोर्स में आपके 80% से अधिक अंक हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। और इसी प्रकार दोस्तों, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के आधार पर यहाँ पर अलग अलग प्रकार से नंबर दिए जा रहे हैं। देखिए आपने एमफिल कर रखा है, तो यहाँ पर एमफिल में 60% अंक है तो यहाँ पर आपको 7 नंबर दे दिए जाएंगे। आपने पीएचडी कर रखी है तो 25 नंबर दे दिए जाएंगे। और आपने जेआरएफ नेट यानी क्वालिफाई किया तो 10 नंबर, और नेट में आपको 8 नंबर, और सेट का पास कर रखा है तो 5 नंबर दे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर भिन्न प्रकार की योग्यताओं के भिन्न भिन्न अलग अलग नंबर दिए गए हैं। और देखिए इन्हीं नंबरों के आधार पर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो शपथ पत्र है, देखिए साथियों आपको इसकी सभी यहाँ पर जो इस वीडियो में बताई गई है, जो फाइलें बताई गई हैं, इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको एक सैलरी बताते हैं कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो देख सकते हैं साथियों। देखिए साथियों, दूसरे नोटिफिकेशन में सैलरी दी गई है, तो दूसरा नोटिफिकेशन आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर सैलरी को लेकर दिया गया है,
तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो महाविद्यालय जो विद्यालय होते हैं स्कूल होते हैं सरकारी उनके लिए दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पर जो कॉलेज यानी कॉलेज स्तर पर दिया गया है विश्वविद्यालय महाविद्यालय या तकनीक महाविद्यालय के यानी लेवल के लिए यहाँ पर सैलरी दी गई है। अगर सहायक आचार्य हैं तो आपको 4500 रुपये यानी महीना 800 रुपये प्रति घंटा, और सह आचार्य हैं तो आपको 1000 रुपये प्रति घंटा 52000 रुपये, और आचार्य यानी आचार्य के पद पर यानी यहाँ पर यानी काम करेंगे तो यहाँ पर 1200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 60000 प्रति यानी महीने की सैलरी आपकी बनेगी। तो साथियों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और देखिए साथियों यहाँ पर इसी प्रकार का यानी इसी प्रकार के नोटिफिकेशन यानी सरकारी विद्यालय के लेवल पर यानी जारी किए जाएंगे। और देखिए आपको एक्टिव रहना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा ताकि आपको इसके बारे में अपडेट यानी पता चल सके। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ।